Hey guys, a very warm good morning to all of you with a very warm cup of tea in a very warm sunny day. आप लोग सोच रहे होंगे हम इतना वार्म वार्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत गर्मी लग रहा है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो फिलहाल तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 9 और हम अभी बैठे हुए थे, गर्म गर्म चाय आया। इतना गर्मी मौसम में आप सोच रहे हैं गर्म चाय पीना इज अलग लेवल का, एक शक्ति ताकत पावर चाहिए इस मौसम में चाय पीना। तो ऐसे इंडिया में हर एक आदमी के पास ये पावर जन्म से पहले से आ जाता है, क्योंकि ये पावर जेनेटिक वाइज अपने आप आते जाता है। पहले मम्मी पापा, फिर बाल बच्चा, फिर डैड 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 एंड आगे का जनरेशन तक। तो अब तो बहुत क्रेज घट गया चाय वगैरह पीने का, नहीं तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन मतलब आगे बढ़ेगा मे बी ये सब लोग पीना बंद भी कर दे। नॉर्मल टी तो धीरे धीरे करके बंद ही होते जा रहे हैं, मिल्क वाला। अब लोग ज़्यादा ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, मतलब सिर्फ पानी पे जो बना हुआ वैसा टाइप पे डिपेंडेंट रहना चाहता है। तो दैट्स नाइस, और मे बी आगे के टाइम में और भी इवोल्यूशन हो, अब वो तो टाइम ही बताएगा। तो फिलहाल तो कुणाल का एक स्कूल चला गया है और आज कुणाल का दिमाग मतलब एकदम ख़राब कर दिया। एक बस छूट गया कुणाल का, तो वो पूरा आप जानते ही उसको पूरा परेशान हो गया कि अरे कैसे जाएंगे स्कूल, कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा बाद दूसरा बस आया, तो हम लोग बोले कि अरे भाई इससे चल जाओ, ये भी तो बस जाते। तो उसके लिए बोला नहीं नहीं मेरा बस थोड़ी ना है, लेकिन असल में पहले उसी बस से वो जाता था, लेकिन क्या बोला जाए। फिर कैसे कैसे करके हम थोड़ा समझाया उसको, तो गया, हम ही गए थे पहुँचते मतलब बस पे छोड़ने गए, थोड़ा समझाना पड़ा लेकिन चला गया। आप तो जानते ही हैं थोड़ा सा बदमाश टाइप है, नॉर्थी नेचर है, अब क्या किया जाए, बच्चा है कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो बाकी वो तो कैसे भी स्कूल चला गया है, लेकिन अब देखिए आता कैसे, क्योंकि उसका बस कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा कि कौन बस उसको जाएगा लेके, कौन उसको लेकर आएगा, वो सब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा। तो अब तो वो गॉड नोज कि क्या होता है। तब तक हम अपना गरम गरम चाय फिनिश कर लेते हैं इस गरम गरम मौसम में, और उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या करना है। बाकी आज कोचिंग है तो देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ काम वगैरह रहेगा तो कोचिंग जाने से पहले ही क्या जाएगा। बाकी मम्मी का तबीयत कल से आज थोड़ा सा ठीक हुआ है कल के मुकाबले, कल तो बहुत ज़्यादा बीमार थी, आज थोड़ा सा मतलब इवोल्यूशन हुआ है। तो अभी कुछ काम वगैरह करिए किचन में, तो हम भी हॉट हॉट टी ख़त्म कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है ना, मतलब ब्रश पहले ब्रश और नहाया जाएगा फिर ही कुछ करेंगे, क्योंकि बिना फ्रेशनेस के कुछ करने में मज़ा नहीं आता है। तो चाय पी के ब्रश करेंगे, नहाएंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। टाइम हो रहा है 11 और हम जाने हैं ब्रश करके नहाने के लिए, तो जाते हैं पहले ब्रश कर लेते हैं, फिर नहा लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा क्या क्या करना है। तो चलिए नहा के हम तैयार हो गए हैं, पूजा भी हो गया, फिलहाल जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, बहुत तेज भूख लगा है। टाइम भी 12 बज गया, मतलब ये टाइम है 15-20 मिनट हो चुका है 12 बजने में, तो जाते हैं जल्दी से कुछ खाते पीते हैं फिर देखा जाएगा क्या करना है। आज फिलहाल तो देखिए हम आ गए हैं खाना खाने, और खाना में है रोटी है, पनीर का सब्जी है और फिर भुंजिया है और आलू का सब्जी है। बाकी मम्मी देखिए अचार वगैरह सरिया रही है डिब्बा सब में, बनाई हुई थी तो 3 साल पहले, वही सब सरिया रही है अलग अलग डिब्बा में। हम भी गर्म गर्म खाना खा लेते हैं जो ठंडा गया है, तो खा के फिर आप लोग मिलते हैं। टाइम हो रहा था 2 और फिलहाल तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, तो अब जा रहे हैं कुणाल खिलाने, तो अंदर बैठ के आराम करने लगे, तो अब बस कुणाल का आने का टाइम हो गया इतना, तो बस अब उसको लाएंगे, उसके बाद से चला जाएगा कोचिंग का तैयार। भाई फिलहाल अब हम कुणाल को ले आए वापस और उसका बस चेंज हो गया, जैसा हम बताए थे सुबह में एक नया बस से आया कुणाल। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं कोचिंग का तैयार होने, 3 बज गया है तो जल्दी से कोचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा निकलने में। बाकी कुणाल दूसरे रूम में खाना वगैरह खा रहा है, तो हम भी बस तैयार हो जाते हैं। तो गाइस फिलहाल अब हम कोचिंग जाने के लिए निकल रहे हैं, फुल तैयार हो गए हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, 3:30 बज गया, तो आके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए चल जाए।
फिलहाल तो हम कोचिंग से आ गए हैं और खाना भी हो गया मेरा, टाइम हो रहा है 9:30 और फिलहाल अब जा रहे हैं कपड़ा आयरन करने पापा का। देखिए निकाल के देखिए हम आयरन करना है, गर्मी अलग लग रहा है, पंखा भी नहीं ऑन किए हैं, अभी आयरन करने आए इसी चलते हम नहीं किए। बाकी व्लॉग में आवाज़ भी साफ नहीं आने लगता है, ठीक है चलते हैं, क्या कहते हैं, मैं पंखा चलने के चलते ही चलते भी ऑन नहीं किए, तो जाते हैं आयरन करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है, मतलब फिर क्या करेंगे भाई, एडिटिंग ही करेंगे ना, तो चलिए पहले आयरन कर लेते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 और मेरा आयरन हो गया कम्प्लीट, और फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ आ रही हैं मेरी फुआ दादी और उनके साथ प्रिंस पापा और मेरी छोटी बहन वो आ रही है। असल में प्रिंस पापा का शादी है, ऐसे ये बात उनको अभी रिवील नहीं करना था लेकिन बता दिए, तो उनका शादी है उसी के लिए वो लोग कार्ड देने आ रहे हैं, तो बस बाकी कुणाल अभी यहाँ देखिए गाइस बैठा हुआ है, कैमरा देख रहा है, इंतजार कर रहा है वो लोग के आने का। इतना गंदा मत गाओ, गंदा मत गाओ, वीडियो कॉपीराइट लग जाएगा इतना गंदा गाओगे तब। और बताइए आजकल स्कूल कैसा चल रहा है कुणाल? स्कूल तो रुका हुआ है, चलेगा कैसे? अरे मतलब पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चलेगा थोड़ी, चलते चलते दूर भाग जाएगा। अरे मतलब तुम कैसे पढ़ रहे हो? छोड़िएगा इसे, सवाल करने का कोई वैल्यू नहीं, वो मेरा दिमाग का दही कर देता है। दिमाग का दही है। अरे ठीक है भाई, माफी सॉरी, आज दिमाग ना मेरा चकरा दिया गाइस जी, बदमाश बच्चा। फिलहाल तो मम्मी सब्जी सेट वगैरह कर रही है, वो लोग आ रहे हैं इसके लिए कुछ कुछ बेड वगैरह अरेंज कर रही है, तो बस उन लोग के आने का वेट करते हैं कितना देर में आते हैं। भाई अभी टाइम हो रहा है 12 और फिलहाल तो वो लोग चले गए हैं अपने घर, बुआ दादी लोग आई थी तो आधा घंटा एक घंटा बैठी, तो लोग घर लौट गई हैं। के बाद फिर हम लोग भी अब सोने वगैरह का तैयारी कर लिए, वीडियो एडिट नहीं हुआ है अभी, तो वीडियो एडिट कल सुबह करेंगे, बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है, रात का भी तो बहुत लेट हो गया, तो अभी फिलहाल तो सोने जा रहे हैं। तो बाकी सुना देखे सो गया, मम्मी पापा भी सो गए, हम अकेले जगे हुए हैं, तो बस लाइट ऑफ करके हम भी सोएंगे। तो होप यू लाइक द ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय, गुड नाइट।